हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो आई डिफेक्ट होते हैं मेनली जो 10th क्लास के सिलेबस में आपके वो 3 है मेनली। ठीक है, सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद है मायोपिया और देन फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का बच्चों हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है बच्चों, इस आई डिफेक्ट में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको दूर की चीज़ें तो क्लियरली विजिबल होती हैं, बट जो चीज़ें उसके पास होती है, आइज के पास होती हैं, वो उसको अच्छे से देख नहीं पाता। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, मतलब फार अवे चीज़ें होती हैं वो क्लियरली देख सकते हैं, बट जो चीज़ें आइज के पास होती है उसको हम नहीं देख पाते। तो ये तो थी बच्चों इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अब सेकेंड आता है इसका कोज क्या है, कि क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियर दिखते हैं बट पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। इसका कारण है बच्चों कि इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, जो हमारा आई लेंस होता है उसके पीछे बनती है। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपने उसको यहाँ से देखना। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आप इस डायग्राम में देखो, जैसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, ये हमारी रेटिना है, तो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए थी, बट इस डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये हमारा आई लेंस है। ठीक है, ये आईज है, ये आई लेंस है, और ये क्या है, रेटिना। जैसे आईज है, ठीक है, ये आई लेंस है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है और रेटिना है। रेटिना पे इमेज बनती है नॉर्मली, जो नॉर्मल आई होती है, बट इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, जो इमेज बनी है वो रेटिना के पीछे बनी है। ठीक है, तो ये था इसका कोज कि क्यों ऐसा होता है कि पास की चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों अब की थर्ड बात आते हैं केयर कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहीं क्या होता है, कहीं बच्चे इसको याद करते हैं, रटा जाते हैं इस चीज़ का कि हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है इसको केयर करने के लिए कन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करना, सिर्फ मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा कि क्यों कन्वेक्स लेंस जो है वो यूजफुल होता है इसमें। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस सपोज करूँ कि जो पर्सन है जिसको डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, उसने कन्वेक्स लेंस यूज किया। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्यों यूज करता है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, इस इमेज को हमने कहाँ पे बनाना है, हमने बनाना है रेटिना के ऊपर। ठीक है, मतलब कि हमें रेस को कन्वर्स करके पीछे लेके आना है, और आपको पता है कि रेस को कन्वर्स कौन करता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वही रेस को कन्वर्स करता है। ठीक है, तो वही लेंस हमें हेल्प करेगा कि जो हमारी रेज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पीछे चलेगी, उसको बिल्कुल पहले ही रेटिना के ऊपर कन्वर्स कर दें। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना बच्चों, ये आईज फिर से, और ये हो गया हमारा आई लेंस, ये जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया ने यूज किया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब देखो डबल कन्वर्जिंग होगी के, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट है जो इमेज रेटिना के ऊपर बन गई। ठीक है, तो ये था बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों जो अगली डिजीज है वो हम डिस्कस करेंगे मायोपिया नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इस डिजीज में क्या होता है बच्चों कि जिस पर्सन को जो अफेक्टेड है मायोपिया से यानी कि नियर साइटेडनेस से, उसको पास की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगी अपनी आइज के, बट वो दूर की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाता। तो ये तो थी बच्चों इसकी डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसका कोज क्या होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जैसे जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे बनती थी रेटिना से। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है, मतलब इसको आप उसी डायग्राम को आप उसी डायग्राम से डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो जैसे ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए नॉर्मल आइज में, बट इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब फिर से केयर को इसकी केयर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि अब खुद ही सोचो कि इमेज है यहाँ पे बनी है, इसको रेटिना तक पहुँचाना है, तो यानी कि हमें जो लाइट्स की रेंज उसको बिखेरना पड़ेगा, तभी वो रेटिना तक पहुँचेगी,
और आपको पता है कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कंकेव लेंस, ठीक है। तो कंकेव लेंस हम यूज करेंगे कि जो रेज है वो रेटिना तक पहुंच जाए और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर विजिबल हो जाए। तो इसलिए बच्चों जो मायोपिया है उसकी केयर के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कंकेव लेंस, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ डायग्राम अभी आपके सामने, जैसे आईज होगी, ठीक है, ये आई लेंस हो गया हमारा और इसके सामने हम क्या रखेंगे, ये आपका कंकेव लेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा रेस को, ठीक है। तो जब ये डाइवर्ट करेगा तो फिर आगे ये रेस कहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएंगी, रेटिना के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम जो मायोपिया है उसको केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो लास्ट डिफेक्ट अगर हम आईज का डिस्कस करेंगे वो है प्रेस मायोपिया। तो ये बच्चों ये डिफेक्ट है जो अराइज होता है विद एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है जो आई लेंस होता है उसकी बच्चों जो एडजस्टमेंट पावर है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर, वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। इस वजह से ये इफेक्ट अराइज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेस मायोपिया, ठीक है। तो ये था बच्चों आज जो हमने डिस्कस किए आईज डिफेक्ट, होप कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये सारे।